हेलो फ्रेंड, आज हम आपको इस वीडियो दिखाएंगे एडोब फोटोशॉप में कोई भी पहना हुआ ड्रेस को कैसे सेलेक्ट करते हैं और उस ड्रेस का कलर कैसे चेंज करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करें। फोटो का ड्रेस का कलर आपको चेंज करना है, उस फोटो को फोटोशॉप में ओपन कर लीजिए। उसके बाद टूल बॉक्स में जाकर क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फोटो को थोड़ा सा जूम कर लीजिए, उसके लिए आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस कीजिए। उसके बाद इस टूल से इस ड्रेस को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बाहर साइड को डिसलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से ऑल बटन को प्रेस करके डिसलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप लेयर बॉक्स में जाकर ग्रुप लेयर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद लेयर मार्क्स पर क्लिक कीजिए। देखिए इस कपड़ा का मार्क्स यहाँ पर बन गया है। उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सॉलिड कलर इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप किसी भी एक कलर को चूज कर लीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद इस नॉर्मल ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करके कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए इस कपड़ा का कलर चेंज हो गया है। और दूसरा तरीका है, फिर से एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ह्यू सैचुरेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से कपड़ा का कलर चूज कर लीजिए। आपको ये कलर इस कपड़ा में देना है तो इस विंडोज को क्लोज कर लीजिए। उसके बाद फाइल में क्लिक करके सेव एज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद शेप लोकेशन को चूज कीजिए, मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फाइल नेम को आप चाहे तो रीनेम कर सकते हो। उसके बाद सेव एज टाइप फोटोशॉप, इसको चेंज करके आप जेपीईजी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेव पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए डेस्कटॉप में सेव हो गया है। आप इसी तरह एडोब फोटोशॉप में कोई भी ड्रेस का कलर आप आसानी से चेंज कर सकते हो। फ्रेंड, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे।